एक स्कैमर जी हैं, ठीक है, अब ज्यादा मैंने लगा सकता अंदर लड़कियों का साफ बैठा हुआ है। इस्लामाबाद के बारे में, इस्लामाबाद से जॉब्स के बारे में, यहाँ की रिहाइश के बारे में, आपको कैसे लोग मिलेंगे, सब कुछ आज आपको मैं बताता हूँ। अभी रात के को बज रहे हैं डेढ़, सारी का टाइम तकरीबन करीब है, लेकिन मुझे चाय की तलब हो रही है, इसलिए अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सीन कुछ ऐसे है कि आज का जो व्लॉग है वो है मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, ठीक है, और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगा। अभी रात के को बज रहे हैं डेढ़, सारी का टाइम तकरीबन करीब है, लेकिन मुझे चाय की तलब हो रही है, इसलिए मैं नीचे जा रहा हूँ होटल पर, वहाँ पर जाके चाय भी पीते हैं और आप लोगों को बाकी भी बताते हैं कि क्या सीन है और क्या नहीं है इस्लामाबाद के बारे में, इस्लामाबाद से जॉब्स के बारे में, यहाँ की रिहाइश के बारे में, आपको कैसे लोग मिलेंगे, सब कुछ आज आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये शेयर करूँगा कि आप लोग मेरे चेहरे पर फोकस कर रहे होंगे कि भाई इसने ये बियर्ड वगैरह और ये सारा कुछ क्यों उतरवा दिया। तो यार, सीन कुछ ऐसे थे, मेरा जो साथ फ्रेंड है स्नैन, ठीक है, जानता उसको मेरे ख्याल में इधर कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वो मोस्टली व्लॉग्स में नहीं आया, किसी एक व्लॉग में था शायद, बाकी खैर मकसद की बात पे आता हूँ। तो वो यहाँ पे फ्लैट में रूम में मेरे साथ था, ठीक है, उसने वो ट्रिमर लाया, ठीक है, उसके पास ट्रिमर है, मशीन है। अब मैंने कभी ट्रिमर यूज़ नहीं किया, मतलब मैं नाई के पास डायरेक्ट जाता हूँ, बार्बर के पास, खुद मैंने कभी ये काम नहीं किए। तो उसमें ये चक्कर हुआ था कि मैं वो गया हुआ था जॉब पर, मैंने मशीन निकाली और वैसे ट्राई किया, वो उसने बिल्कुल मतलब ज़ीरो पर था, और उसने ये मतलब इस जगह से मैंने पहले उतारी है, फिर मैंने सारी उतार दी, मैंने कहा ख़राब तो होगी है, खैर दोबारा आ जाएगी, घर की खेती है, कोई अड्डी बड्डी गाल नहीं है। अभी मैं आ गया तो होटल पे चाय वगैरह पीते हैं, चाय पीने के बाद फिर मैं आपको अगली गपशप सुनाता हूँ, ठीक है, ब्लॉग को स्किप नहीं कीजिएगा, काम की बातें आप सबके लिए भी, ठीक है, जो काम के ब्लॉग नहीं होते वो लोग आप लोग पूरा देखते हो, जो काम की बात हो वो आप लोग सुनते नहीं हो, तो ये आप लोगों को फायदे की बात है। मैं नहीं चाहता कल किसी का 40-50 हज़ार लॉस हो, उसका टाइम भी वेस्ट हो, तो बेहतर है कि थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए वीडियो, बाकी भी दुनिया ब्लॉग बनाती है, लेकिन ब्लॉग बनाने का मकसद भी होना चाहिए, कोई उसमें इन्फॉर्मेशन या किसी मकसद पर हो। तो मैंने वैसे डेली ब्लॉगिंग नहीं करता, आप लोगों को पता महीने बाद ब्लॉग आते हैं, तो आज ये ब्लॉग मैं जिससे बना रहा हूँ वो आपको सारा शेयर करता हूँ, बाकी जाकर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, क्योंकि सब यही जरिया है यूट्यूब भी, ठीक है, बाकी चाय पीने के बाद मिलते हैं। जी, PSL जो है वो इस्लामाबाद जीत चुका है और हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इसलिए हम इस्लामाबाद को और इस्लामाबाद के लोगों को दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे। बाकी यह कि PSL मैं पहले देखता होता था जर्बी का स्पोर्टर, बट यह कि इस बार मैंने नहीं देखा, क्योंकि फलस्तीन को इन लोगों के जो स्पॉन्सर्स हैं KFC और Pepsi, इनने उसका बाइकआउट नहीं किया, इसलिए हम लोग इसको देखना पसंद नहीं करेंगे, और हम लोग हर उस ब्रांड पर लानत भेजते हैं, हर उस चीज़ पर लानत भेजते हैं जो फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, उनका साथ दे रहे हैं, बाकी अल्लाह फलस्तीन पे अपना रहा फजल फरमा रहा है मुसलमान। जी, मेरी चाय आ गई है, चाय पीते हैं, उसके बाद आपको बाहर मिलते हैं, बाहर जाके आपके साथ बाकी गप्पे करते हैं। एक दिन इंशाल्लाह ऐसी गाड़ी लेनी है, ठीक है, जल्दी आप लोग सपोर्ट करते रहोगे। वैसे मेरी फेवरेट छोटी गाड़ियों में ये एक्वा, बड़ी गाड़ियों में ग्रैंडी है, और उससे बड़ी गाड़ियों में आओ तो TX प्राडो, ठीक है। अब आप लोग मुझे सपोर्ट करो, गाड़ियां लें और रिवील करते जाएं, आप लोगों को दिखाते जाएँ। एक स्कैमर जी हैं, ठीक है, अब ज़्यादा मैंने लगा सकता अंदर लड़कियों का साफ बैठा हुआ है। ये आपको सामने मेट्रो स्टेशन नज़र आ रहा होगा, स्टॉक एक्सचेंज, वो सामने ISE स्टॉक एक्सचेंज का टावर है, UFN का टावर है पास में, ठीक है, ब्लू एरिया लोकेशन, ब्लू एरिया। बाकी इनके आप चक्कर में आप लोगों को बताता हूँ कि इनने सीन क्या क्रिएट किए हैं। बाकी यार चक्कर ये है कि ये बाइकआउट कर सकते थे, PSL वाले भी, PCB वाले, ठीक है, मेरा क्रिकेट में इतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ मैंने आज तक ज़िंदगी में PSL देखे हैं, इसके अलावा मैं मैचेस वगैरह नहीं देखता। तो कहने का मकसद ये है, अभी भी मेरे समय, ठीक है, कई बार मुझसे भी गलती हुई है, कोक वगैरह ब्रांड KFC हो गया, उसके अलावा पेप्सी हो गया, हम लोग यूज़ करते हैं, यार फ़लस्तीन के लोगों का क्या हाल हो गया, रमज़ान है, अल्लाह पाक उन पे अपना करम करे, ठीक है, अल्लाह पाक उन पे ये मुश्किलात ख़त्म करे और इसराइल को अल्लाह पाक तबाह करे, ठीक है। अगर मेरा यूट्यूब चैनल इस वजह से बंद हो जाता मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, और बाकी अल्लाह पाक इसराइल को नस्तो नाबूद करे और फ़लस्तीन पर अल्लाह पाक अपना राम करे। हम मुसलमान हैं, बहसीत मुसलमान, हम लोग उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी मतलब हम लोग, पहले तो चीज़ ये है कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, हम लोग एक आम इंसान है, लेकिन इतना तो कर सकते हैं उनके जो ब्रांड्स है इसराइल के, उसका बाइकआउट करें। अच्छा, ये जिस ऑफिस का आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये इरिडियम ऑफिस है, दिन को ये रियल एस्टेट का ऑफिस है और रात में ये दूसरा चक्कर है, ठीक है। अब इधर जैक वाले भी हैं, मतलब 6 कंपनियाँ इन्वॉल्व हैं, 6 कंपनियाँ एक ही बंदे की हैं। अब इन लोगों ने हायर किया, ठीक है, इंटरव्यू हुआ जी, उस पर बेसिक सैलरी लगी, सारा कुछ हुआ, देन जब हम लोगों ने उधर जाके अपॉइंट किया, अपॉइंट होने के बाद उन लोगों ने हमसे अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक साइन नहीं करवाया था। तकरीबन 15 से 16 दिन गुजर गए जब हम लोगों ने मैनेजर से बात की कि भाई आप हमें अपॉइंट कब करोगे, तो
उसने ये कहा है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर से क्या लेना देना, आप लोग जॉब करो आप लोगों को सैलरी मिलेगी। भाई जॉब तो तब करता ना बंदा जब अपॉइंट हो जाए, ठीक है। तो खैर कहने का मकसद ये है कि पहले उन्होंने वीकली बोनसेस डिसाइड किए थे, बाद में वो इस बात से मुकर गए कि भाई हम लोग मंथली देंगे। तो एट द एंड हम लोगों को ये पता चला कि अंदर से हम लोगों को बंदे ने बात बताई कि भाई ये स्कैम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं देंगे इन लोगों ने, आप लोगों से सिर्फ काम करवाने हैं। तो मैंने क्या किया, फिर उधर से काम मजबूरन छोड़ना पड़ा। मैंने नहीं छोड़ा, मेरे साथ और काफ़ी लड़के थे जिनने काम छोड़ दिया, ठीक है। अब मैंने उधर से इधर मैंने 30,000 का हॉस्टल में मतलब चार्जेस दिए, सारा कुछ दिया, वो तो मेरा लॉस हुआ। उसके बाद मैं रावलपिंडी में गया, मार्स बीपीओ के नाम पे एक कॉल सेंटर होता है, मैंने अप्लाई किया, उन लोगों ने ऑफर अच्छी दिया, लेकिन अब मेरा उधर से मतलब इधर से जाना उधर बन नहीं पा रहा, लाइफ बड़ी स्टक हुई है, ठीक है। अब उधर मुझे उन लोगों ने अप्लाई हायर तो कर लिया, लेकिन अब मतलब मैं जा नहीं पा रहा, जा क्यों नहीं पा रहा, मेरे पास सभी सच्ची बात बताऊँ पैसे नहीं है कि मैं उधर जाकर हॉस्टल में पैसे पे करूँ और फिर मैं उधर रहूँ, ठीक है। तो अब आखिरी चांस मेरे पास यही बचा है कि 20 तारीख को मेरे पास इधर लास्ट है, और मैं लाइट ज़रा उस तरफ इसलिए लगा रहा हूँ, नीचे रास्ता देखा तो 20 तारीख से हॉस्टल में आखिरी है, उसके बाद बैग लेना घर ही जाना है, क्योंकि अब मेरे पास तो उधर 30,000 आया नहीं कि मैं तो सिक्योरिटीज भी दूंगा, किराया भी दूंगा और अलग से फिर दोबारा रूम लूँगा, और उधर भी अगर स्कैम होता है तो फिर रोला। तो इस्लामाबाद में जॉब करने के लिए आने से पहले आप लोग ये चीज़ डिसाइड कर लिया करो, पहले चेक कर लिया करो, इधर बहुत बहुत बड़े स्कैमर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, बंदे के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ये लोग टिशू की तरह बंदे को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलो जी, आवाम रात के 2 बजे जो है 2:30 बजे क्रिकेट खेल रही है, ठीक है, गुड शॉट, यह गई। अच्छा, सामने रोड है और ये हॉस्पिटल है साथ, इसके साथ ये पार्किंग की जगह है, अक्सर हम लोग भी इनके साथ मैच खेलते हैं। अच्छा, अक्सर हम लोग इनके साथ मैच खेलते हैं, ठीक है, ये लड़के मैच कर रहे हैं, लेकिन मेरा अभी मूड नहीं है क्योंकि मैं व्लॉग बना रहा हूँ। और इसके अलावा सीन जी है, हर चीज़ को रिव्यू देना चाहिए, ठीक है, अच्छी चीज़ को अच्छा कहना चाहिए, बुरी चीज़ को बुरा। और ये शेल्टन होटल है, शेल्टन, मुझे तो अब इसका नाम भी सही नहीं आता क्योंकि मैं कभी गया नहीं। और स्टॉक एक्सचेंज के मेट्रो स्टेशन से उतर के ना बंदा, ये मेट्रो स्टेशन है समझो लाइक, ठीक है, आप मेरे हाथ को देखें, इससे उतर के ऐसे आना है, फिर ऐसे आना है, ये रोड है, ठीक है, इसके साथ ये सामने हॉस्टल है, ये गाड़ियाँ खड़ी नीचे शोरूम है गाड़ियों का, ये ऊपर हॉस्टल है, ठीक है। अब इस हॉस्टल का ये सीन है, पहले तो इधर की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है, पठान है हमारे भाई हैं, हम लोग आए थे, उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन बहुत अच्छा हॉस्टल है, खाना जो है बेहतरीन मिलता है लाइक घर की तरह। बाकी उसके अलावा बंदा बोले कि सिर्फ एक चीज़ का इशू आता है समटाइम्स, नेट का, बाकी इसके अलावा कोई इशू नहीं है। नेट का भी वो मुझे इशू आता है क्योंकि मैंने अपलोडिंग करनी होती है, बाकी जो है वो व्हाट्सअप या फेसबुक वाले होते हैं या पबजी वाले। उसके अलावा जो है इनका मैनेजमेंट काफ़ी बेहतरीन है। बाकी हॉस्टल में ये सीन है कि आप लोगों को लॉन्ड्री जो है वो कपड़े वगैरह धुल के देंगे, लेकिन इस्त्री करके कोई भी नहीं देता, यहाँ पर इस्त्री होकर भी आते हैं, और बाकी हॉस्टल में हफ्ते में एक बार जाते हैं कपड़े, यहाँ पर जो है तकरीबन हफ्ते में 2 बार जाते हैं। और मैं इनका साथ ऐड वगैरह लगा रहा हूँ, नंबर लगा रहा हूँ, ठीक है, अगर किसी ने इस्लामाबाद ब्लू एरिया में हॉस्टल, और मज़े की बात है ब्लू एरिया में टोटल एक ही हॉस्टल है, ठीक है, लड़कों का, लड़कियों का हॉस्टल इधर आया ही कोई नहीं, तो चार्जेस ज़रा ज़्यादा हैं क्योंकि ब्लू एरिया में, बट यह है कि फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं। मैं पॉइंट पर भी आऊँगा, ठीक है, ब्लॉग वैसे मैंने ज़्यादा लंबा करना इसलिए करना है क्योंकि मैं अभी सैरी करूँगा, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं हॉस्टल में सैरी किस तरह की है, ठीक है। और इसके अलावा दिन की रूटीन खैर नहीं बताऊंगा, अफ्तारी का बीच में ऐड कर दूंगा जब सो के उठेंगे, क्योंकि सारा दिन सोना और नमाज के टाइम उठ के नमाज़ पढ़नी है। तो अब मैं आता हूँ टू द पॉइंट, ठीक है, मेरे साथ इधर स्कैम हुआ, उसके बाद अभी रावलपिंडी में स्कैम तो नहीं हुआ, खैर मैं उन्हें ब्लेम नहीं करूँगा, मास पीपीओ एक अच्छा कॉल सेंटर है, सारा कुछ है। मैं इधर किस लिए आया था, सिर्फ इसलिए आया था कि यार चलो एक तो इस्लामाबाद में बंदा रहेगा, ब्लॉगिंग भी अच्छी हो जाती है, वीडियोज़ भी अच्छी बन जाएंगी, और दूसरी चीज़ यह है कि आपका साथ जॉब भी हो जाएगी, अपना मतलब जो ज़ाती अखराजात हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन खैर वो लॉस हुआ। अब यूट्यूब की भी रियल स्टोरी की तरफ आता हूँ कि यूट्यूब पे मैंने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। यूट्यूब पे मेरे साथ सीन ये था कि मेरे 2 चैनल आप लोगों को पता है, अगर जिसको नहीं पता नीचे लिंक में चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएँ तो उसमें मैंने लिंक दिया हुआ है, दूसरे चैनल को लिंक किया हुआ है, वो भी जाके देख लें, उसमें मेरे साथ आपको काफ़ी लोग नज़र आएंगे, काफ़ी लोग मतलब जो लड़के थे काम करते रहे। लेकिन यार हकीकत बात बताऊँ, मैं भी वो लोग वीडियो देख के बोल रहे हो ये ऐसा है या वैसा है, अभी मैं कुछ अगर अच्छा करता हूँ लाइक मैं कुछ खरीद रहा हूँ या मैं कहीं पैसा लगा रहा हूँ तो जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं वो पता है क्या कहते हैं, वो ब्लेम करते हैं कि इसको पैसा यूट्यूब से आ रहा है और ये उन लोगों को इसने नहीं दिया। भाई मुझे कौन से पैसे आए, मुझे ये बताओ मेरी कौन सी गाड़ियाँ चल रही हैं, लोगों की खड़ी है मेरी नहीं है, ठीक है, मेरी तब आएगी जब मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग सपोर्ट करो। तो यार उन लोगों में ना सिंसियरिटी नहीं थी, मीन्स के थोड़ा मेच्योरिटी भी नहीं है उन लोगों में, मेच्योरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि उनके सर पर अभी पड़ी नहीं है, मेरे पर भी नहीं पड़ी, मैं ये नहीं कहता कि मेरे सर पर पड़ी है, लेकिन यह कि अभी लाइफ के स्टेज पर आ गया कुछ करना, ठीक है। तो वो उनका ये सीन था कि उन लोगों को मैं टाइम बताता था, उन लोगों ने कुछ भी नहीं करना होता था यार, कंटेंट मैं लिखता था, कंटेंट मेरा था, दिमाग मेरा काम करता था, फ़ोन मेरा था, एडिटिंग मैं करता था, अपलोडिंग मैं करता था, हर चीज़ मैं देख रहा हूँ, सिर्फ उनको मैं बोलता था यार 3 बजे कल आ जाना फलानी जगह पर वीडियो बनानी है, ठीक है। अब मैं 3 बजे बाहर निकलता था, एक आया 2 नहीं आए, अच्छा एक दिन एक नहीं आएगा, दूसरे दिन दूसरा नहीं आएगा, बोलेगा कल वो नहीं आया था, भाई तुम लोगों ने मुकाबला लगाया हुआ है, इसलिए यार कभी भी किसी के मतलब जोर पर या किसी के आप आश्रय पर रह के काम ना करो,
चले जी, सैरी का टाइम हो गया, 3:26 हो गए और ये लुगड़ वापस आ गया। और अभी हम लोग ऊपर जाते हैं टॉप फ्लोर पे, वहाँ पे जाके सैरी करते हैं। आज कोरमा बना हुआ, नाम का कोरमा नहीं यार, अच्छा देखते हैं। ये देखें हमारे आंसू की हालत वगैरह और सारा कुछ काफ़ी अच्छा, ठीक है। जाके सैरी करते हैं, सैरी आपको भी दिखाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, नमाज वगैरह पढ़ेंगे और सो जाएंगे। बाकी जो सीन है वो आपको मैं डिटेल में जो है बाद में बताऊँगा, क्योंकि अभी थोड़ा फ़ोन में स्टोरेज भी नहीं है। जो इससे पहले का ब्लॉग है वो मैं एडिट करके निकाल के अपलोड करता हूँ, फोन में स्पेस बने, फिर अगली बातें आपको बताते हैं कि क्या सीन हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये हमारे लोगड़ भाई हैं, इधर हॉस्टल में होते हैं, खाना पकाते हैं हमारे लिए। ये देखें जैसे बचपन के या मियाँ बीवी मिल रहे हो। ये अंकल हैं जी, आज कोरमा बना हुआ कोरमा। चले जी, ये खाना है, ये देखें ये बना हुआ कोरमा, इसको ये लोग कोरमा कहते हैं। साथ ये रोटी है और ये साथ स्नान है और ये चाय है। अच्छा, रोटी का ये सीन है, यहाँ पे रोटी जो मिलती है ना, पराठे भी मिलते हैं, लेकिन पराठा जब बेचारा उस पर लगाता है तो आवाम इतनी होती है कि बारी नहीं आती, इसलिए सबने कहा कि यार रोटी। और मज़े की बात है, मैंने ज़िंदगी में कभी सालन के साथ नहीं खाया। चलो जी, ये व्यू चेक करें ऊपर से, ये हमारे हॉस्टल का व्यू है टॉप सारा, ये सारा G7 है, सामने G7 है। दांत वगैरह साफ़ कर लिए, क्योंकि दांतों का मेरा बड़ा इशू है, और सारी बंद करने से पहले, रोज़ा बंद करने से पहले दांत ज़रूर साफ़ करें। और अभी मेरे मुँह से पानी गिर रहा। बाकी ये है कि वो सूखी रोटी वाली ये फिल्म है कि मैंने आज तक सालन के साथ कभी नाश्ता नहीं किया, ना सहरी किया, ना सूखी रोटी खाई है, लेकिन हॉस्टल में ये सब कुछ करना पड़ता। तो खैर, अभी बाकी नमाज का टाइम होने लगा, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा वगैरह बंद करके, और उसके बाद जो है फिर आपको मैं दिन को बाकी डिटेल बताता हूँ कि क्या क्या हुआ था और कैसा हुआ था सो के उठने के बाद, ठीक है। और फिर अफ्तारी भी दिखाएंगे, तो मिलते हैं दिन को। अस्सलाम वालेकुम जी। चलें जी, उठ के हम लोग आखिर का दिन को नमाज वगैरह पढ़ी थी, लेकिन मैंने लाने वो पार्ट नहीं डाला, अभी काफ़ी लेट हो गया। और बात करते हैं वजू बात में बनाऊँगा नमाज के लिए, पर चलते हैं आपको जाके दिखाते हैं अफ्तारी वगैरह भी, बाकी के सीर भी जब आपको बाकी सारी बातें क्लियर करूँगा अभी। और चले जी, हमारी अफ्तारी में भी टाइम है 10 मिनट तकरीबन, बाकी सबका रोज़ा खुल गया, लेकिन हमारी जो अफ्तारी होती है वो तकरीबन 10 मिनट बाद होती है। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, मुँह हाथ वगैरह मैंने धो लिया, ऊपर जाता हूँ, अभी शुरू हो गया रिहर्सल हमारी, पहली सीढ़ी, दूसरी, फिर तीसरी, फिर ऊपर जाना है। और ऊपर पहुँच के फिर अफ्तारी जो है करनी है, जाके आप लोगों को बताना अफ्तारी में क्या क्या। उसके बाद अभी मैंने तकरीबन फ़ोन की स्पेस साफ़ कर दी, ठीक है, फिर मैं रात को डिटेल में बताता हूँ बाकी स्टोरी। जी, ये आ गया अफ्तारी में दो पकौड़े और साथ में इतना बड़ा माल्टा और ये खजूर, ये साथ बड़ी खजूर, और बाकी सारी आवाम तकरीबन अफ्तारी कर रही है। और इसके बाद हमें मिलेगा आज का दिन, दिन क्या आज, आज पता नहीं आज दिन क्या, मंगल है, मंगल को दाल चना रोटी। वो सामने जो है मोनूमेंट है हमारे पास सामने, ये अभी कैमरे में बहुत दूर नज़र आ रहा है, वैसे देखने से करीब नज़र आता है, और अभी अंधेरा होने वाला तकरीबन। अच्छा, रात को मैंने आप लोगों को दिखाया था सैरी के टाइम, अभी ये दिन का माहौल आ गया। अच्छा चले यार, अफ्तारी वगैरह सब कुछ आपको दिखा चुका था, जो बातें कह रहे थे वो मिड में रह गई। तो अब मैं ये क्लियर करता चाहूँ कि पहले तो यूट्यूब का मतलब जो वो इशू चल रहा था बाकी लड़कों का सारों का, ठीक है, तो उसको मैं ऐसे कहता हूँ कि अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं सारी उसके ऊपर व्लॉग बनाते हैं, ठीक है, प्रॉपर डिस्कशन करते हैं कि भाई मैंने किसके साथ क्या किया था और क्या नहीं किया था, ठीक है, कि ये जो स्कैमर्स हैं इनसे बच के रहें, ठीक है, स्पेशली जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर कॉल सेंटर्स हैं, इस्लामाबाद में और रावलपिंडी के अंदर जो कॉल सेंटर्स हैं वो मोस्टली मतलब स्कैमर्स हैं, या तो सैलरी नहीं देंगे या कोई ना कोई और फटा लगाएंगे, ठीक है, इसलिए अपना टाइम और अपना पैसे बर्बाद करने इस्लामाबाद और पिंडी जॉब के सिलसिले में, कॉल सेंटर के सिलसिले में स्पेशली ना, ठीक है, डे टाइम में कोई अच्छी जॉब मिलती है तो आ जाएं। हाँ, कॉल सेंटर मास भी पीओ एक अच्छा जिसका मैंने सुना, जिसकी 8 ब्रांचें हैं, बाकी वो रावलपिंडी में है, ठीक है। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ, मुद्दे पर ये आना है कि आप लोगों को अगले व्लॉग में, इससे अगला जो व्लॉग बनेगा, इससे अगला नहीं, इससे अगला मेरा वापस जाने का होगा, वो सारी मैं डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन तो रात करोड़पति अवाम कैसे पाकिस्तानी बन गई है, ठीक है, 2019 से लेकर अब तक, और अभी भी आप लोगों के पास मौका आया है, ठीक है, करोड़ों नहीं कमा सकते लेकिन लाखों कमा सकते हैं, करोड़ों के करीब अभी आप जाके कमा सकते हैं, और इसमें 0 इन्वेस्टमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। एक तो होता ना कि इन्वेस्टमेंट करके आपने पैसे लगाने हैं तो फिर तो बात है, सब कुछ फ्री है, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो मैं इंशाल्लाह उस पर पूरा ब्लॉग बनाऊंगा और बाकी प्रॉपर उस पर डिटेल भी बताऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे करना और क्या करना। मज़े की बात यह है कि ब्लॉग कल रात को शुरू किया था 2 बजे और आज रात के 2 बज गए, ठीक है, 24 घंटे का ब्लॉग हो गया। बाकी चक्कर यही है कि मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा, ठीक है, मैं हमेशा मेरी ये कोशिश हुई मेरे इर्द गिर्द के लोग या मुझसे जुड़े हुए लोग, आप लोग जैसे मेरे सारे बहन भाई हो, ठीक है, तो किसी को अगर फ़ायदा होता तो
होना चाहिए अगर आपकी वजह से होता। इसमें आपको दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। मुल्ला अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि किसी के साथ नेकी करो उसके शर से बचो। तो नेकी करना मतलब किसी के साथ नेकी करना, ये ना सोचो कि वो आपके साथ वापस रिटर्न में करेगा, ठीक है। वो हो सकता है उससे बुरा करे आपके साथ, ठीक है, आप उसके साथ अच्छा करो वो बुरा करेगा। लेकिन यह कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए, आखिरत के लिए किसी के साथ अच्छा कर सकते हो तो करो। तो मैं इंशाल्लाह एक दो व्लॉग्स के बाद डिस्कशन करूंगा ये ऑनलाइन, मतलब ये जो अभी करोड़ों रुपये कैसे कमा रहे हैं लोग, डॉलर्स में उस चीज़ की कीमत लग गई है जो कि फ्री मिल रही थी और अभी भी स्टिल फ्री मिल रही है, ठीक है, 6वें महीने तक। जून में जाके पाकिस्तान के जो मेरे समेत जो लोग हैं वो करोड़ोंपति बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये प्रॉपर गाइड करूंगा किस तरह करना है और क्या करना। बाकी ये कि किसी कंपनी में अगर आप अप्लाई करते हैं, इस्लामाबाद ब्लू एरिया में, रावलपिंडी में, किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कंपनी का नाम बता सकते हैं, भाई इस कंपनी में हम लोगों ने अप्लाई किया है, आया स्कैमर्स हैं कि नहीं है, तो मैं आपको पूरी डिटेल अगर मुझे बता हुआ मैं बताऊँगा, ना हुआ तो मैं पूछ के बता दूंगा क्योंकि मेरे इधर हैं रिलेशन काफ़ी। तो बाकी इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, बल्कि कल मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में जो कि मेरा इधर से वापसी होगी रोज़ा रख के, ठीक है। और मेरे पास बैग सामान ऐसे है जैसे मैं दुबई से वापस आ रहा हूँ, ठीक है। तो कल मेरी इंशाल्लाह इधर से वापसी होगी, उस व्लॉग को भी देखें, चाहे कुछ सब्सक्राइब करें कि कल से अभी तक मैं स्टिल बना रहा हूँ और व्लॉग मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन सीक्वेंस वाइज में नहीं चल सका क्योंकि रूटीन ही ऐसी है रमज़ान की वजह से। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, ठीक है। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, मुझे पता है कि बंदे का अच्छे दिन आए तो पता नहीं चलता, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट मस्ट है। आप लोग मेरे बहन भाई हो, ठीक है, कुछ मेरे बड़े भाई हैं, कुछ छोटे हैं, ठीक है, सब सपोर्ट करो। और उसके अलावा ये सीन है कि मैं इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो बनाता हूँ वन बाय वन, ठीक है, और डेली वीडियो देखनी है प्रोसेस, मतलब जैसे जैसे मैं वीडियोज़ पर बना रहा हूँ वो ऐसे नहीं है कि मैं एक वीडियो में अगर आप लोगों को समझाता हूँ तो आप लोग समझ जाओगे, स्टेप बाय स्टेप मैं उस पर आप लोगों को समझाता जाऊँगा। सो डेली मेरे चैनल पर आपने वीडियोज़ देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लोगों को बताना है अपने इर्द गिर्द के लोगों को, ताकि और मैं झूठ बोलने का मुझे फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है, कुछ स्कैम है ना ही कुछ लेना देना है। एक स्कैम उस चीज़ में होता है ना कि जिसमें आपने पैसे देने हो, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो इसमें तो आपने एक रुपया इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है, और ना ही इस पर काम करना। सिंपल एक चीज़ है, एक अकाउंट बनाना है, उस पर माइनिंग करनी है, ठीक है, कल उसका रेट लगेगा, पैसे आएंगे, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। जिन लोगों को मे भी पता होगा वो नीचे कमेंट्स में लाजमी उस चीज़ का नाम लेंगे, ठीक है। और जल्द मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।